दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मधुमालती के प्लांट को आप किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि कोई भी प्लांट जब हम रिपोर्ट करते हैं तो उसके लिए सॉइल मीडिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है उसका, सॉइल मीडिया अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो किस तरह से रिपोर्टिंग करूँगी वही आज का वीडियो का टॉपिक्स है। और सॉइल मीडिया अच्छा होता है तो दोस्तों छोटे से प्लांट में भी हमारे बहुत ही अच्छे से फ्लावर आते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप इसी वीडियो को बंगला भाषा में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल लिस्ट पर दूसरा चैनल शो हो रहा है, वहाँ पर जाकर जो है आप इसी वीडियो को बंगला भाषा में भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सॉइल मीडिया अगर हम अच्छे से अपने प्लांट को बनाकर देते हैं तो छोटे से प्लांट में ही जो है फ्लावर आने लगता है, क्योंकि सभी जो भी नया प्लांट खरीद कर लाते हैं उनको यही प्रॉब्लम रहती है कि हम लोग जब मार्केट से या नर्सरी से जब कोई प्लांट खरीद कर लेकर आते हैं तो उसमें फ्लावर या कलियां रहती है, लेकिन घर पे जब लेकर आते हैं तो वो फूल खिल जाते हैं लेकिन उसके बाद जो है फ्लावर नहीं आते। लेकिन मैं जिस तरह से आपको रिपोर्टिंग करना या केयर का जो टिप्स बताने वाली हूँ उससे आपके प्लांट में ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए सॉइल मीडिया के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ दोस्तों कोकोपीट ले रही हूँ, और जो है वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ यहाँ पर, और नॉर्मल जो गार्डन सॉइल है वो। इन तीनों का मैंने इक्वल रेशियो रखा है, बराबर मात्रा में है ये तीनों। अगर आपके पास सैंड अवेलेबल है तो आप सैंड भी मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ये तो नॉर्मल, आप इस तरह से अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप इस तरह से भी अपने प्लांट को जो है बिठा सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा एक चीज़ ज़रूरी है नीम की खली। नीम की खली आप अपने जब भी पॉटिंग मिक्स बनाएं उसमें ज़रूर से कम दो मुट्ठी जितना नीम की खली ऐड कीजिए। नीम की खली मिलाने से हमारे जो प्लांट है उसमें किसी भी तरह का इंसेक्ट का अटैक सॉइल से नहीं होता, और चींटियाँ भी इससे दूर रहती है, और ये एक बहुत ही अच्छा खाद का भी काम करता है। तो नीम की खली आप ज़रूर से मिलाइए। तो दो मुट्ठी जितना मैंने यहाँ नीम की खली ऐड किया है, और इसके बाद जो है मैं दो मुट्ठी जितना काफ़ी रहेगा ये मैं वैसे मैं 8 इंच के पॉट में लगाने के लिए बना रही हूँ, बट थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा तो 10 इंच के पॉट के लिए भी आप मानकर चल सकते हैं। तो दो मुट्ठी मैंने ये लेने के बाद में नीम की खली, अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच जितना बोन मील ऐड कर रही हूँ। दोस्तों बोन मील के अंदर फॉस्फोरस, कैल्शियम और प्रोटीन रहता है, और नाइट्रोजन भी इसमें थोड़ा बहुत मात्रा में रहता है। और दूसरी चीज़ है ये एक स्लो फर्टिलाइज़र है, तो हमारे प्लांट को ये धीरे धीरे जो है अच्छे से जो है खाद देने का काम करता है, और प्लांट की ग्रोथ इसमें काफ़ी अच्छे से होती है, रूट्स भी डेवलप होते हैं। और यहाँ पर जो है मैं हॉर्न मील ले रही हूँ, हॉर्न मील भी काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र है। हॉर्न मील भी मैं यहाँ पर 2 चम्मच ही दे रही हूँ। हॉर्न मील में फॉस्फोरस काफ़ी अच्छे से रहता है और बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है ये भी, तो ये आप 2 चम्मच मैं मिला रही हूँ। और यहाँ पर 1 चम्मच जितना साफ फंगिसाइड ले रही हूँ। दोस्तों एक बात मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपके पास बोन मील या हॉर्न मील में से कोई भी एक चीज़ नहीं है और आप सिर्फ एक ही चीज़ डाल रहे हैं तो आप 3 चम्मच डालिएगा, लेकिन यहाँ मैंने दोनों चीज़ें ऐड की है इसलिए मैं 2-2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। और साफ फंगिसाइड की जगह पर आप जो है ट्राइकोडर्मा बेवस्टिंग कोई भी ले सकते हैं फंगिसाइड, और अगर कोई भी फंगिसाइड आपके पास नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का 1 चम्मच ज़रूर मिक्स कर दीजिएगा, तो आपके प्लांट में किसी तरह का भी फंगस नहीं लगेगा। ये सारा जो है रेशियो मैं आपको बता दिया है मैंने अच्छे से। अब जो है दोस्तों अगर मैं यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप लीव कंपोस्ट या आप जो है गोबर का जो सड़ा हुआ जो सड़ी हुई जो खाद होती है थोड़ा पुराना लेना पड़ेगा आपको, वो भी आप ले सकते हैं। तो इसे आप बहुत ही अच्छे से मिक्स कीजिएगा। इस सॉइल मीडिया के अंदर आप अपने फ्लावर के प्लांट जब लगाएंगे तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेगा, और उसे आपको
एक महीने तक किसी भी तरह का खाद देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सॉइल में बहुत ही अच्छे से खाद वगैरह दे दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसी में ही जो है मैं अपने आज का जो प्लांट है मधुमालती उसे रिपोर्ट करूँगी। तो अच्छे से मैंने यहाँ पर इसे मिक्स कर दिया है। अब मैं बता दूँ आपको, मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि एक महीने तक आपको इसमें कोई खाद नहीं देना है। एक महीने के बाद आप इसमें क्या खाद देंगे वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताती रहूँगी। तो मैंने यहाँ सॉइल मीडिया अच्छे से मिला लिया है। दोस्तों सॉइल मीडिया को मिलाने के बाद मैं सॉइल को थोड़ा सा साइड में रख रही हूँ ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छे से दिखे। और ये हमारा आज का प्लांट है मधुमालती, बोला है ड्रॉप वेराइटीज़ है। जब ग्रो होगा और कैसा रिजल्ट रहता है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से इस सॉइल मीडिया में मेरा प्लांट ग्रो हुआ है। और अब मैं इसे जो है 8 इंच के गमले में लगा रही हूँ। तो मिट्टी का मैंने पॉट लिया है यहाँ पर। आपके पास अगर सीमेंट का पॉट है तो आप वो भी ले सकते हैं। प्लास्टिक का पॉट थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ, उसमें क्या थोड़ा सा पानी जो ड्रेनेज है वो कम होता है। अब ड्रेनेज होल पर मैं यहाँ पर एक कपड़े का टुकड़ा जो है रख रही हूँ। आप चाहे तो गमले का टुकड़ा रख सकते हैं या गत्ते का टुकड़ा भी रख सकते हैं, कुछ भी आपके पास जो भी अवेलेबल है, या छोटे मोटे जो ईंट के टुकड़े वो भी रख सकते हैं। अब जो सॉइल मीडिया हमने बनाया है उससे मैं यहाँ सिर्फ थोड़ा सा भरूंगी, मतलब 20% जितना गमले में ये जो पॉटिंग मिक्स है उसे डाल रही हूँ। अब जो हमारा प्लांट है उसे जो है ये ग्रो बैग से बहुत ही अच्छे से निकालना है। रूट्स बिल्कुल भी डैमेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी जगह पर समर बहुत ज़्यादा है तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि समर सीज़न में जब हम किसी प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शॉक में चला जाता है। इसीलिए कोशिश ये कीजिए जब भी आप ग्रो बैग से निकालें तो ज़्यादा मतलब मिट्टी हिले नहीं। अगर रूट्स डैमेज होती है तो प्लांट सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। अब जो है ये प्लांट जो है मैं बिल्कुल बीच में जो है बिठाऊंगी। बीच में बिठाने के बाद में ये जो पॉटिंग मिक्स है इसे अच्छे से भरना है। कोई भी एयर पॉकेट वगैरह बीच में नहीं रहना चाहिए। एयर पॉकेट वगैरह अगर बीच में रह जाता है तो हमारे जो प्लांट के अंदर जो है फंगस वगैरह लगने के चांसेस रहता है। तो अच्छे से हमें सॉइल मीडिया को भरना है। दोस्तों मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया था कि आपको इसमें एक महीने तक किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से सॉइल मीडिया हमने इसे रेडी करके दिया है। तो अब एक महीने बाद आप इसमें 100 ग्राम जितना कंपोस्ट और बोन मील, ये दो चीज़ें आप जो है फिर से रिपीट कर सकते हैं, और साथ में 1 चम्मच पोटाश। पोटाश देने से ही आपका जो प्लांट है उसमें फ्लावर आने लग जाएगा। तो इन 3 चीज़ों को आप जो है अच्छे से मिलाकर अपने प्लांट में 30 दिन बाद दीजिएगा ये चीज़। और उसके बीच में आप एक बार कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। आप 20 से 25 दिन के बीच में जब आपका प्लांट 20 दिन या 25 दिन का हो जाए तब इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, वो ऑर्गेनिक। आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो एक महीने के अंदर ही आपके प्लांट में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब रिपोर्टिंग अच्छे से हो चुकी है प्लांट की, अब बहुत ही अच्छे से इसमें वाटर देना है। प्लांट को वाटर आपको रेगुलर जिस तरह से मिट्टी अच्छे से चेक करके ही आप दीजिएगा। अगर आपके वहाँ गर्मी ज़्यादा है तो 2 बार सुबह और शाम को, और अगर अभी मानसून है बारिश आ रही है तो मिट्टी चेक करके ही दीजिएगा। जब आपको लगे मिट्टी सूखी है तब आप पानी दीजिएगा, वरना पानी मत दीजिएगा। तो अभी तो बहुत अच्छे से एक बार वाटरिंग करना है प्लांट को, और इसे जो है थोड़ा सा शैमी से डेरिया में रखना है। अगर बारिश आ रही है तो बाहर भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। मेरा आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक में फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो वहाँ से आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ।